Good morning, students. So today we read chapter 10, use of four magic word. Okay, use of four magic words. Magic words यानी जादुई शब्द. और four words कौन कौन से हैं? Please, sorry, thank you and welcome. ओके ये क्या हैं? फोर मैजिक वर्ड्स. प्लीज, सॉरी, थैंक यू एंड वेलकम. जब हम किसी को कोई सामान देते हैं, कुछ भी सामान ले लो या कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कुछ भी ले लो. आप किसी को बुक दे रहे हो तो उससे पहले आप क्या कहोगे? प्लीज गिव दैट बुक. किसी से मांग रहे हो तो क्या कहोगे? प्लीज गिव दैट बुक. राइट, कृपया आप मुझे वो बुक देंगे. मतलब कुछ भी शब्द, कुछ भी किसी को कहने से पहले आप क्या कहोगे? प्लीज़. प्लीज़ यानी क्या होता है? कृपया. और प्लीज़ क्यों कहा जाता है? प्लीज़ किसका साइन होता है? प्लीज़ साइन होता है विनम्रता का, ठीक है, पोलाइटनेस का, काइंडनेस का. किसका सिंबल होता है ये प्लीज़? पोलाइटनेस का. आप किसी से भी बात करो, आप अपने मम्मी से करो, पापा से करो, दादा से करो, दादी से करो, या आपसे छोटे जो भाई बहन हैं, किसी से भी बात करो, कुछ भी कहो, उससे पहले आप क्या कहोगे? प्लीज़. प्लीज़ क्या आप मुझे वो चीज़ देंगे? प्लीज़ क्या आप ये चीज़ लेंगे? ठीक है, तो प्लीज़ किसका साइन है? पोलाइटनेस का. इसलिए हम किसी को कोई भी चीज़ देने से पहले या कुछ भी लेने से पहले क्या कहते हैं? प्लीज़. ठीक है, जैसे हमारी जो बुक है उसमें दिया हुआ है, प्लीज़ गिव दैट बुक. क्या आप मुझे वो बुक देंगे? गर्ल कहती है, हेयर इट इज़, प्लीज़ टेक इट. प्लीज़ टेक इट यानी कृपया लीजिए. तो इन दोनों सेंटेंस में क्या आया पहले? प्लीज़. और ये सिंबल क्या है? पोलाइटनेस का. तो किसी से भी बात करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हर समय पोलाइट रहना है, गुस्सा नहीं करना है. ठीक है, प्लीज़ मम्मी मुझे बुक दीजिए, प्लीज़ मम्मा मुझे दूध दीजिए. ठीक है, किसी से भी बात करें प्लीज़ लगा के बात करें. ठीक है, सेकंड जो वर्ड है वो क्या है? थैंक यू. थैंक यू यानी धन्यवाद. जब कोई आपको गिफ्ट देता है तो आप रिप्लाई क्या करते हो? थैंक यू, धन्यवाद. आपका बर्थडे आया, आपको आपके फ्रेंड्स ने गिफ्ट दिए बहुत सारे, ठीक है, तो आप उनको क्या कहोगे? थैंक यू, थैंक यू सो मच. और वो आपको क्या रिप्लाई करेंगे? वेलकम. ठीक है, तो जब भी आपको कोई गिफ्ट दे तो आप उसे क्या कहेंगे? थैंक यू. और वो आपको क्या कहेंगे? वेलकम. मान लीजिए आपने किसी को गिफ्ट दिया तो वो आपको क्या कहेगा? थैंक यू. और आप क्या कहेंगे? वेलकम. ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है? सॉरी. व्हेन वी हर्ट समवन इवन बाय मिस्टेक वी से सॉरी.
अगर आप किसी को गलती से अनजाने में हर्ट कर दो तो आप क्या कहेंगे? सॉरी। क्या कहेंगे? सॉरी। या आपसे कोई गलती हो जाए तब भी आप क्या कहेंगे? सॉरी। सॉरी यानी मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। डिड आई हर्ट यू? गर्ल कहती है नो आई एम फाइन, थैंक यू। जब भी आप किसी को हर्ट करें या अनजाने में आपसे कोई हर्ट हो तो आप क्या कहेंगे? सॉरी। ठीक है, मम्मा ने आपको कोई काम कहा, आपने नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे मम्मा को? सॉरी, जस्ट बिकॉज आपने उनका काम नहीं किया। ठीक है, तो आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है। जब भी आपको कोई प्लीज़ कहे, प्लीज़ मुझे बुक दीजिए, प्लीज़ मुझे ग्लास दीजिए, प्लीज़ मुझे वाटर दीजिए, तो आप भी रिप्लाई में क्या कहेंगे? प्लीज़ टेक इट, प्लीज़ लीजिए। ठीक है, जब भी आपको प्लीज़ लगा के कोई कुछ काम कहे तो आप भी वो काम करें और प्लीज़ लगा के ही उन्हें कोई रिप्लाई दें। ठीक है, सेकंड वर्ड है थैंक यू। जब कोई आपको कोई गिफ्ट देता है या आप किसी को गिफ्ट देते हैं, जब आपको कोई दे तो आप थैंक यू कहेंगे और वो आपको वेलकम कहेंगे, या आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो आपको थैंक यू कहेंगे और आप रिप्लाई में क्या देंगे? योर वेलकम। ठीक है, लास्ट वर्ड है सॉरी। आपसे बाय मिस्टेक कोई हर्ट हो जाता है तो आप सबसे पहले उन्हें सॉरी कहेंगे, अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, या जानबूझ के भी आप अपने सिस्टर को, ब्रदर को या मम्मा पापा को, किसी को भी हर्ट करते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो होना चाहिए वो क्या है? सॉरी मम्मा, सॉरी सिस्टर, सॉरी फादर। ठीक है, तो ये मैजिकल वर्ड है, ये आपको डेली प्रैक्टिस में लाने हैं। आप कुछ भी काम करने से पहले प्लीज़ कहेंगे, किसी को भी हर्ट अगर आपने हर्ट कर दिया तो आप क्या कहेंगे? सॉरी। कोई आपको गिफ्ट दे तो आपको क्या कहना है? थैंक यू। तो ये मैजिकल वर्ड्स जो है वो आपको ध्यान रखने हैं और इसको डेली यूज़ में प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे 10 चैप्टर की एक्सरसाइज।